अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी क्या है, ओसीडी से कैसे बचा जा सकता है और ओसीडी की अलामत क्या है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बंदे के जहन में कई दफ़ा बार बार ऐसी गैर जरूरी सोचें आती हैं जो वो जहन से नहीं निकाल सकता, इसे हम ऑब्सेसिव कहते हैं। और इन सोचों के जेर असर वो बंदा किसी काम को बार बार करता है या फिर किसी खास तरीके से उस काम को करने की ज़रूरत महसूस होती है। इस तरह किए जाने वाले अमल को हम कंपल्सिव कहते हैं। और ये भी हो सकते हैं ये बीमारी एक ही फर्द में ये दोनों मौजूद हो या फिर अलग अलग फर्द में ये एक एक मौजूद हो। जो लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं उनमें ये देखने को काफ़ी मिलती है। नॉर्मल लोगों में अगर ऑब्सेसिव सोचने वाली अगर पाई जाए तो ये कम शिद्दत की होती है, और अगर ये ज़्यादा शिद्दत में पाई जाए तो इसको फौरन से फौरन साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और कई दफ़े ये बच्चों में भी अलामत ज़ाहिर होती हैं, हम बच्चों को डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, इसी तरह उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है और 8-9 साल की उम्र में पहुँच कर ये अलामत उन पर वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। इसलिए अगर ऐसी अलामत पाई जाए तो साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाया जाए, वो कुछ मेडिसिन देगा और आपको कुछ टिप्स बताएगा। इनसे बचने के लिए ये जो तरीके हैं फ़िलहाल यही हैं। इसको मुकम्मल ख़त्म करने के लिए अभी तक ऐसा तो कोई तरीका वो दरियाफ़ नहीं हुआ,
लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे तरीके ज़रूर हैं। उन सोचों को आप मद्देनजर रखते हुए ये सोचें, जो आपको सोचें आ रही उनकी पहचान करें और उन पे बिल्कुल भी अमल ना करें, और उन सोचों को आप वक्तन पावक्तन डायरी में लिखते रहें ताकि आपको ये पता लगाने में आसानी रहेगी ये जो सोचें ये वाकई उसी बीमारी का हिस्सा है या फिर किसी और वजह से आ रही हैं। क्योंकि अगर डायरी में लिखी होगी उस तरीके से उसको पहचानना वो आसान होगा। दोस्तों ये थी आज तक की मुकम्मल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।